एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर आ रही है। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के NSA गांजा फूंक के द वायर को एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसमें भारत पर उन्होंने दो आरोप लगाए थे कि पेशावर में 2014 में जो आतंकी घटना हुई थी, जिसमें कि 130 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे, उनके स्कूल में हुई थी, आर्मी स्कूल में हुई थी, उसके लिए भारत को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था, जबकि तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि भारत पाकिस्तान से बात करना चाहता है और पाकिस्तान भारत से बात करने के एवज में वहां पर कश्मीर को भी एक पार्टी बनाना चाहता है, तभी जाके बातचीत होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मैंने कल आपको बताया था कि ये चीज गलत है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जल्द ही इस पर बयान आ जाएगा। तो आज इस पर बयान निकल कर सामने आया और ये साफ साफ कहा गया कि पाकिस्तान से इस प्रकार की कोई भी बात भारत ने नहीं कही थी। भारत की तरफ से यह भी कहा गया कि ये पाकिस्तान की पुरानी रणनीति रहती है कि अपने घरेलू प्रॉब्लमों से अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए वो भारत को सामने ला देते हैं और भारत को हेडलाइन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने फिर से ये इंटरव्यू दिया और फिर से भारत को घसीट के अपने मुद्दों में लेकर आए हैं, अपनी चीजों में लेकर आए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत उनसे कभी भी इस तरह की पहल करने को नहीं कह रहा है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक और चीज कही कि चीन और भारत के बीच में जो ये अभी एग्रेशन चल रहा है, चीन के द्वारा जो एग्रेशन किया जा रहा है, वह किसी भी कारण से जो भारत बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है उसके कारण नहीं होना चाहिए या नहीं हो रहा है। चीन के एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन के बयान से सामने निकल कर आया था कि चीन को भारत द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट किया जा रहा है LAC के आसपास, लद्दाख में या अरुणाचल में, जहां पर भी किया जा रहा है, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है और इसी कारण से वह कह रहे हैं कि भारत और चीन के बीच में रिश्ते खराब हो रहे हैं, जिसको हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने सरासर गलत कहा है। और उन्होंने कहा है कि भारत इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए डेवलपमेंट कर रहा है ताकि अपने लोगों को जीवन जीने में जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा सके। इसका चीन से कोई भी संबंध नहीं है, पर चीन इसी चीज को कहता आया कि भारत के साथ उसका जो अग्रेशन है वो इन्हीं डेवलपमेंट के कारण हो रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज पर बात की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन ने। उन्होंने कहा कि म्यांमार को हम पहली सबमरीन ट्रांसफर करने अब जा रहे हैं। INS सिंधुवीर हम जानते हैं कि बहुत समय से ये माना जा रहा है कि किलो क्लास की जो ये सबमरीन है, रशियन सबमरीन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको रिफिट किया गया था, उसको हम म्यांमार को ट्रांसफर करेंगे, म्यांमार नेवी को ट्रांसफर करेंगे और वो यह इनकी पहली सबमरीन होने वाली है। इससे पहले हम टॉर्पीडो, हल्के टॉर्पीडो भी उनको ट्रांसफर कर चुके हैं, जो कि भारतीय इंडिजिनस बने हुए टॉर्पीडो हैं, तो वो हम उनको ट्रांसफर ऑलरेडी कर चुके हैं, अब सबमरीन भी ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं और हमारे आर्मी चीफ का अभी म्यांमार दौरा हुआ था, उसमें कुछ और डिस्कशन हुआ और कुछ और चीजों पर एक राय बनी है। उसमें टैंक, आर्टिलरी गन और बुलेट प्रूफ जैकेट ये म्यांमार को प्रोवाइड करना है भारत के द्वारा, और इसके लिए कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ क्रेडिट भी भारत म्यांमार को दे सकता है, यानी कि म्यांमार आर्मी और नेवी दोनों की अच्छे से हेल्प करने के लिए भारत अब तैयार हो चुका है। हमने म्यांमार आर्मी के जनरल के उस बयान को भी सुना है, जिसमें कि उन्होंने रशिया में यह कहा था कि चीन उनके वहां आतंकवादी घटनाएं फैला रहा है, आतंकियों को पैसे दे रहा है, हथियार मुहैया करा रहा है। तो भारत अब यहां पर चीन के खिलाफ म्यांमार में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुका है। म्यांमार को जितना सपोर्ट भारत करेगा, भारत को उतना ही सपोर्ट म्यांमार करेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो इंसर्जेंसी हो रही है चीन की कराई हुई है, और जब भारत म्यांमार में चीन के खिलाफ एक माहौल बनाएगा और चीन के द्वारा जो वहां आतंकवादी घटनाएं फैलाई जा रही हैं, तो म्यांमार भारत में भी इस चीज को रोकने के हेल्प करेगा, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं म्यांमार से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, जो कि पूरी की पूरी बाउंड्री म्यांमार से लगती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट देश है भारत के लिए म्यांमार, और उसी को साधने का प्रयास अब चल रहा है। कल मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारे आर्मी चीफ 3 नवंबर को नेपाल का दौरा करने वाले हैं और उनको इस नेपाल के दौरे में जो उपाधि दी जाएगी वह नेपाल के सेना प्रमुख की उपाधि दी जाएगी, और ऑनररी होती है ये उपाधि, जो कि नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। उससे पहले अब
वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, जो कि वो प्रधानमंत्री भी थे, ईश्वर पोखरियाल, उनको डिफेंस मिनिस्ट्री का चार्ज से हटा दिया गया है। यानी कि अब इस मंत्री के पास कोई भी चार्ज नहीं होने वाला है। अब प्रधानमंत्री खुद, प्रधानमंत्री उनके केपी ओली खुद डिफेंस मिनिस्ट्री का चार्ज लेंगे। और ये माना जा रहा है कि ये जो हमारे सेना प्रमुख का जो नेपाल दौरा होने वाला है, तो ईश्वर पोखरियाल को उसी के लिए हटाया गया है। और नेपाल भारत से कुछ अब सुधार की उम्मीद रख रहा है, रिश्तों में सुधार की उम्मीद रख रहा है, इस कारण से पोखरियाल को हटाया गया है। पोखरियाल को क्यों हटाया गया है? क्योंकि पोखरियाल के द्वारा कई बार भारतीय आर्मी के खिलाफ अभी के समय में बयानबाजी की गई। जब हमारे सेना प्रमुख ने यह कहा था कि नेपाल चीन की भाषा बोल रहा है या चीन के कहने पे ये सारी चीजें कर रहा है, ये जो मानचित्र विवाद है ये चीन के कहने पे कर रहा है, तो वो पोखरियाल ही थे जिन्होंने कहा था कि भारत में जितने भी गोरखा आर्मी में काम कर रहे हैं वो अपने सीनियर्स की बात मानना छोड़ देंगे। इस प्रकार का यदि बयान भारतीय सेना के प्रमुख के द्वारा आएगा। इसके अलावा नेपाल के सेना प्रमुख भी पोखरियाल को अच्छा नहीं मानते हैं। उन्होंने कोई भी इस सिनारियों में, इस मैप के सिनारियों में, इस मानचित्र के सिनारियों में कोई भी बयान देने से मना कर दिया था, पर पोखरियाल ने उनसे कहा था कि बयान जारी करें। आर्मी प्रमुख होने के कारण, नेपाल के आर्मी प्रमुख होने के कारण वो कोई ना कोई बयान जारी करें, पर उन्होंने इस चीज़ से मना कर दिया था कि ये जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं उसमें आर्मी को न खींचा जाए। तो पोखरियाल की अपने आर्मी में और हमारे आर्मी में, दोनों ही में अच्छी छवि नहीं है, इसलिए हो सकता है उनको हटाया गया, ऐसा कई लोगों का मानना है। और पोखरियाल के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि जो हमारे आर्मी के प्रमुख का जो दौरा होने वाला है 3 नवंबर को, वह नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का दौरा हमारे आर्मी प्रमुख का हो नेपाल में। उससे पहले भारत और नेपाल दोनों ही बैठ के ये बॉर्डर के जो मुद्दे हैं उसको सुलझाएं, तभी जाके ये दौरा हो, पर दौरा हो रहा है, उनको साइडलाइन किया गया है। तो ये कुछ चीजें भारत और नेपाल के बीच में अच्छी चीजें लेकर सामने आती है ये न्यूज। वही बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा जो अपने पीएलए के जवानों को संबोधित किया गया, उस बारे में उन्होंने फिर से कहा है अपने पीएलए के जवानों से कि अपना जो दिमाग और अपनी जो एनर्जी वो युद्ध की तैयारी में खर्च करें और युद्ध के लिए तैयार रहें। उन्होंने अपने सोल्जर से कहा है कि हाई स्टेट ऑफ अलर्ट रखना है उन लोगों को, और अपने जवानों से कहा है कि एब्सोल्युटली लॉयल रहें, वो एब्सोल्युटली प्योर और एब्सोल्युटली रिलायबल रहें, ऐसा सीएनएन की खबर में निकलकर सामने आया है। हमने कई बार देखा है कि चीन के जो सैनिक हैं वो परेशान हो जाते हैं, जो उनकी हाई अल्टीट्यूड डिप्लॉयमेंट हुआ है उसमें परेशान हो गए हैं, और इसी चीज़ को साधने के लिए कि उनका मोराल हाई रहे, उनके प्रेसिडेंट को अपने लोगों को संबोधित करना पड़ रहा है, अपने पीएलए के जवानों को संबोधित करना पड़ रहा है। पीएलए के जवानों की बात करें तो हाई अल्टीट्यूड पे कहा जा रहा है कि पेंगोंग सो के आसपास जो पीएलए के लोग, कुछ 5000 लोग जो कि ऊंचाई पर डिप्लॉय हैं और ऊंचाई पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो स्ट्रेचर्स दिखाई देने लगे हैं। ये मैंने आपको खबरों में पहले भी बताया था कि स्ट्रेचर्स के माध्यम से उनको पास के ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे सिकनेस होना लाजमी है। पर अब ये कहा जा रहा है कि कुछ विगत 1 से 2 हफ्तों में कुछ 10 से ज़्यादा जवान उनके मारे गए हैं इस हाई अल्टीट्यूड डिप्लॉयमेंट के कारण, इस ठंडी के कारण, वो बीमार होने के कारण मृत्यु को प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार के सिनारियो बॉर्डर पे चल रहे हैं, हमारे लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही होगी, पर चीन की जो दशा है वो ज्यादा विकट नजर आ रही है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध को इस वाले सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।